हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? कनिका, युविका, जिया, अक्षत, जोगेंद्र, अंशु, डिंपल, मनीष, हिमांशु, अमन स्वामी, इशिका, रक्षित, मनीष, हिमांशु, चेतन, दैनिका, प्रीत, मनीष यादव, विनीशा यादव। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से फेस एक्सप्रेशन दिखाओ अपना अपना। कैसे हैं सभी? अरे वाह, सबके चेहरे खिले हुए हैं, खूब खुश हैं। चलिए चलो तो बच्चों, एक बार फटाफट से मुझे होमवर्क भी दिखा दीजिए। होमवर्क किया था कल? कुछ बताया था मैंने आपको, राइटिंग वर्क बताया था? चलिए तो दिखा दीजिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है, वेरी गुड मनीष। चेतन, वेरी गुड बेटा। कृतिका, वेरी गुड। दैनिका, अंशु, वेरी गुड बच्चों। युविका, वेरी गुड, वेरी गुड युविका, बहुत अच्छा काम किया बेटा। सभी बच्चे फटाफट दिखाइए। गुलशन यादव, जिया, वेरी गुड बच्चों। प्रीत कुमार, प्रीत व्हाट आर यू शोइंग? चलिए तो सभी बच्चे अब फटाफट से अपनी नोटबुक्स और पेंसिल लेकर के हो जाइए रेडी, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है? बिकॉज अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सेकंड नंबर चैप्टर फ्लावर्स इज कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। यस्टरडे वी सॉल्व 2 क्वेश्चंस एंड टुडे वी विल स्टार्ट अहेड। All of you open your notebooks and mention the date and chapter. सबसे पहले डेट मेंशन कर लीजिए, चैप्टर मेंशन कीजिए, चैप्टर का नेम मेंशन कीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। फ्लावर्स, चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज, लिली एंड रोज आर सीन लिली और रोज दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है, ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल द ईयर राउंड। All the year round, यानी कि पूरे साल भर।
चलिए गिव द आंसर. यस बेटा, नॉट इन रफ नोटबुक्स. यस, नाउ यू टेल मी द आंसर. लिली और रोज दोनों जो फ्लावर्स हैं वो किस सीजन में खिलते हैं? विंटर में, समर में, स्प्रिंग में, या ऑल द ईयर, पूरे साल भर खिलते हैं? वेरी गुड कनिका, प्रीत आंसर दे दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. मैंने आपको बताया भी था कि जो रोज है, आपके स्कूल में ही रोज फ्लावर्स लगे हुए हैं, लिली भी लगा हुआ है ना, और वो कंप्लीट ऑफ द ईयर वो फ्लावर्स रहते हैं, पूरे साल भर खिलते हैं. ठीक है, सो ऑल द ईयर राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर नंबर है. कार्पेल कंटेन्स ए स्टाइल स्टिग्मा. ये मैंने राइट भी करवाया था आपको. एंड पेटल्स बी ऑप्शन है. पेटल्स सेपल्स पेटल्स सेपल्स एंड स्टाइल. नेक्स्ट है स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी, और फोर नंबर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. फटाफट से आंसर दे दीजिए. गिव द आंसर. गिव द आंसर. ये मैंने नोट भी करवाया था बच्चों. कृतिका ने आंसर दे दिया है लेकिन आंसर तो गड़बड़ हो गया बच्चों. कार्पेल कंटेन्स करेक्ट आंसर विल बी सी. कार्पेल जो होता है वो प्लांट का फीमेल पार्ट होता है जिसमें स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी होता है. स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी. हाँ युविका, यू आर करेक्ट. फाइव नंबर है डैश ऑफ कचनार. ये मैंने आपको कल भी बताया था. कचनार, बनाना एंड पम्पकिन. पम्पकिन आर
and eaten as vegetables. बताया था ना, ऑप्शन है ए नंबर है लीव्स, बी नंबर है फ्रूट्स, सी नंबर है फ्लावर्स और डी नंबर है रूट्स। फटाफट से ये आंसर दे दीजिए, सभी बच्चों को ये आंसर आना चाहिए। गिव द आंसर। मैंने बताया था ना, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जिनको हम खाते हैं, वो कौन कौन से फ्लावर थे? वेरी गुड। नहीं प्रीत, इशिका, वेरी गुड बेटा। मैंने आपको कल क्लास में समझाया था। अमन, नहीं बेटा, पत्ते खाते हो आप? केले के पत्ते खाते हो, कद्दू के पत्ते खाते हो? फिर मैंने आपको लास्ट कल क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनको हम पका करके खाते भी हैं, और उसमें किस किस का नेम आया था? कचनार, बनाना एंड पम्पकिन। सो दीज आर ईटन इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। ये वो फ्लावर्स हैं। हाँ नहीं बेटा राजीव, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, फूल के रूप में ही खा लेते हैं हम इनको। वेरी गुड चेतन। ओके अंशु, नाउ आई हैव टोल्ड द आंसर ना, सो यू नोट दिस आंसर। फ्लावर्स ऑफ कचनार, बनाना एंड पंकिन आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स। Have you noted? Yes, Rajiv, it's okay, beta. समझ में आए आपको ये three of the questions? समझ में आए? देखिए, लिली एंड रोज आर सीन। लिली और रोज फ्लावर्स जो हैं, ये कब दिखाई देते हैं? ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग समर सीजन, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन और ऑल द ईयर अराउंड, यानी कि पूरे साल भर ये दिखाई देते हैं। कार्पेल कंटेन्स स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। एंड क्वेश्चन 5 इज of kachnar, banana and pumpkin are cooked and eaten as vegetables. सब्जी बना करके खाते हैं, और ये कौन से फ्लावर्स जो होते हैं जिनको पका करके खाया जाता है सब्जी के रूप में? तो कचनार है, बनाना है, पम्पकिन है, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम पका करके वेज के रूप में खा जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। रेडी यू आर? चलिए
एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. Blanks को fill कीजिए. और इसमें first number blank है आपका dash are the most beautiful part of a plant. प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट कौन सा होता है उसे हमें यहां पे लिखना है. मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट बताना है आपको. Some flowers first and dash are seen all the year round. थर्ड नंबर है द फ्लावर First dash as a bud on the stem. Four number है Flowers bear a yellow colored powdery substance called dash. और लास्ट है द आर्ट ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड डैश. चलिए फटाफट से अब मुझे आंसर दे दीजिए, देखती हूं किसको सारे आंसर आते हैं. हाँ रक्षित राइट कर लो बेटा. वेरी गुड इशिका, युविका दीजिए बच्चों आंसर दीजिए. कृतिका
चलिए अब अपने अपने आंसर चेक कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। देखिए, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ प्लांट, जिनका ये आंसर था वो करेक्ट है, ठीक है। सम फ्लावर्स, ये यहां पर गलती से फर्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर है लाइक। सम फ्लावर्स लाइक लिली एंड रोज आर सीन ऑल द ईयर राउंड। द फ्लावर फर्स्ट अपीयर्स, दिखता है, प्रकट होता है एज अ बड ऑन द स्टेम। फूल सबसे पहले किस रूप में दिखता है? बड के रूप में दिखता है। फ्लावर्स बियर्स अ येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इसे क्या कहते हैं, येलो कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस मिलता है, पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं उसे? पॉलन ग्रेन। द आर्ट ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड, कल ही बताया था, मधुमक्खी पालने को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है फटाफट बताओ, एपी कल्चर, एपी कल्चर। चलिए अब फटाफट से नोट कर लीजिए, बता दिया है मैंने सभी को। डन स्टूडेंट्स, वेरी गुड चेतन, युविका, इशिका, वेरी गुड बच्चों। इशिका, राजीव, वेरी गुड। अंशु, मनन, प्रीत, वेरी गुड बच्चों। दैनिका, वेरी गुड। जोगेंद्र, इट्स मीन ऑल हैव रिटन। गुलशन, कृतिका, चलिए सभी ने राइट कर लिया है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट होगा, आपको बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है, ठीक है।
फर्स्ट इज फ्लावर्स आर यूज्ड टू डेकोरेट आवर होम्स। बताना है सही है या गलत है। फ्लावर्स हमारे घर को सजाने के काम आते हैं। बताना है ये बात ठीक है या गलत है। सेकंड है पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, फूल की पत्तियां आर नॉट यूज्ड टू मेक रंगोली। फूल की जो पत्तियां होती हैं वो रंगोली बनाने के काम नहीं आती हैं। ये बात ठीक है या नहीं है। क्या फ्लावर्स की जो पेटल होती हैं उनसे रंगोलियां नहीं बनाते हैं हम? थर्ड नंबर मैनी वुमन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर और पेन इट टू देयर ड्रेसेस। फोर नंबर We do not greet people with garlands, garland and bouquets. बुकेज। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये तो आपने अभी सॉल्व किया ही है। चलिए बताइए फटाफट से। वेरी गुड भाई, कृतिका ने सारे आंसर दे दिए। शाबाश बेटा। ये पिन है, पिन पी आई एन पिन इट।
देखिए बच्चों, समझेंगे। फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट अवर होम्स, फूलों से हम अपना घर सजाते हैं। इज दिस ट्रू और फॉल्स, क्या फूलों से घर को सजाया जाता है या नहीं सजाया जाता है? सजाया जाता है ना, सो दिस इज ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की पत्तियां आर नॉट यूज्ड, यूज में नहीं ली जाती हैं टू मेक रंगोली, जो रंगोली बनाई जाती है वो फूलों की पत्तियों से नहीं बनाई जाती है। बात गलत है बच्चों, बनाई जाती हैं। सो दिस इज फॉल्स। मैनी वुमन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर और पिन इट टू देयर ड्रेसेस, बहुत सी औरतें जो होती हैं वो फ्लावर्स को अपने हेयर्स में लगाती हैं और अपनी ड्रेस पर पिन भी करते हैं, लगाते हैं ना, फूल लगाते हैं। चाचा नेहरू को अपनी जेब में फूल लगाना पसंद था, तो दिस इज ट्रू। वी डू नॉट ग्रीट पीपल विद गार्लैंड एंड बुकेज, हम लोगों को मालाएं पहनाकर और फूल देकर के ग्रीट नहीं करते, गलत बात, करते हैं, फॉल्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, यस बिल्कुल ठीक है, ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपको क्या करना है, जो 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको सॉल्व करवाए हैं इन्हें फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में ही आपको इन्हें लर्न भी करना है, ठीक है। कल क्लास में मैं आपसे पहले ये क्वेश्चन सुनने वाली हूँ, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से राइट भी करें और लर्न भी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।